उम्र हो गया तो कहा कि भाई एक एक लड़की लड़की है, जवान लड़की थी, तो इसका मर्डर कोई एक आदमी नहीं करेगा और भी अनेक आदमी होगा इसमें। तो अभी तक हम लोग को इस बात का, लड़की का जो है शरीर इस कदर गल चुका है जो यहाँ वो सुविधा नहीं है, चीरफाड़ के करने का सुविधा है, इसलिए ये दरभंगा में जाकर के जो है इसका जो है मतलब बॉडी को देखने के बाद ये कह सकता है कि पहले मौत हुई होगी। हाँ, 5-6 दिन पहले का, मतलब पूरा सड़ा हुआ है। हम बतौर हम लोग तो नहीं देखा, एक आदमी और देख करके आए थे तो वो बोले थे कि वो फूल गई है, उम्र तो 16-17 साल है लेकिन इतनी फूल गई है जैसे लगता है 35-40 साल की हो, समझिए। एक आदमी कोई आया था कल रात में वहाँ से मौजूद है सकरी में, और आप तमाम लोग जानते हैं कि पिछले दिनों 2 तारीख को यानी कि 2 अप्रैल को जीनत नाम की एक बच्ची जो है वो गायब हो गई थी। एक सूचना मिली सोशल मीडिया पे उनकी तस्वीर के साथ, बहुत सारे लोग उन तस्वीर को साझा करते हुए ये कह रहे थे कि बच्ची गुमशुदा है, अगर किसी को बच्ची की जानकारी मिलती है तो वो साझा की जाए। उम्र की बात करें तो 15.5-16 साल उस बच्ची की उम्र होगी, अभी 10वीं क्वालिफाई करके वो 11वीं में थी और उसके बाद अचानक से वो गायब होती है। गायब होने से पहले परिजनों के द्वारा ये जानकारी दी जाती है कि वो घर से बैंक की तरफ निकलती है लेकिन उसके बाद अचानक वो वापस नहीं आती है। इसके बाद घर परिवार के लोग, आसपास के लोग उस बच्ची की तलाशी में लग जाते हैं, चारों तरफ ढूंढने की का सिलसिला जो है वो चालू रहता है, लेकिन इसके बावजूद वो बच्ची नहीं मिलती। फिर उसके बाद पुलिस प्रशासन को इसके बारे में शिकायत भी की जाती है, लेकिन अचानक से 6 तारीख को यानी कि 6 अप्रैल को एक खबर आती है कि मधुबनी ज़िला अंतर्गत रांटी और रमपट्टी के बीच में एक पेट्रोल पंप है, उसी के आसपास जो है एक खंडर में जो मकान यूज़ नहीं हो रहा है, उस खंडर मकान में डेड बॉडी देखने के बाद आसपास के लोग जब उसे देखते हैं तो काफ़ी चिंतित होते हैं क्योंकि डेड बॉडी इस हालत में होती नहीं है कि लोग उसकी पहचान कर सकें। उसके जिस्म को अगर देखा जाए तो कई सारे जो है हमले किए हुए हैं, उसके जिस्म को औजार से मारने की कोशिश की गई, उसे मारने के बाद ऐसी भी खबर मिली कि उसके चेहरे पर, उसके बदन पर तेज़ाब डाला गया ताकि उसकी पहचान शायद मिटाई जा सके। उसके बाद पुलिस प्रशासन ने इस पूरे मामले को देखा, मधुबनी ज़िला प्रशासन ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए आसपास के थाना को इसके बारे में सूचना दी। तभी इस पूरे मामले की जानकारी 6 तारीख को लगभग शाम के 3 बजे यहाँ जो सकरी में वार्ड नंबर 1 है, पूर्वी पंचायत है, इसी मोहल्ले के एक बच्ची का नाम शामिल मालूम चला कि यही वो बच्ची है जिसकी हत्या की गई। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार उस बच्ची की हत्या किसने की? जो बच्ची यहाँ सकरी से निकली बैंक के लिए, वो अचानक मधुबनी के एक ऐसे क्षेत्र में कैसे पहुंच गई जहां से उसका कोई सिलसिला, कोई उसका रिश्ता नहीं था? डेड बॉडी मिलने के बाद कई सारी बातें हैं, कई सारे कयास लगाए जा रहे हैं सोशल मीडिया पे, कई सारे न्यूज़, कई सारी खबरें हैं, कई सारे दावे हैं, लेकिन इन दावों की पुष्टि के लिए हम उनके घर पहुंचे हैं और यहां के बहुत सारे स्थानीय लोग हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं कि आखिर इस पूरे मामले में सच्चाई क्या है, आखिर कौन लोग हैं, क्योंकि तरह तरह की बातें की जाती है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई इसे अलग एंगल देने की कोशिश कर रहा है। पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले में क्या रोल अदा कर रही है, क्या पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर रही है, क्या कोई दोषी अभी तक पाया गया है या नहीं पाया गया है, इन तमाम सिलसिलों में हम गाँव के स्थानीय लोगों से बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं कि पूरा का पूरा मामला क्या है। सर, क्या नाम है आपका? हमारा नाम कैसर अली। कैसर साहब, ये जो बच्ची है जीनत, वो आपके कोई रिश्तेदार है? नहीं, रिश्तेदार तो नहीं है, बिल्कुल पड़ोस की है। अच्छा, तो क्या हुआ है, कुछ मामला आपको क्या? हम लोग तो यही जान रहे हैं कि 2 बजे करीब हम यहाँ जैसे अभी बैठे हैं, इसी तरह बैठे थे तो उस बच्ची को देखा जाते हुए, वो सामने एक पेड़ है वहाँ तक नज़र आता है यहाँ से। अच्छा। यहाँ तक तो हमने भी देखा, गई 2 तारीख को, 2 तारीख को लगभग 11 बजे करीब। अच्छा। उसके बाद जो है तो मार्केट है गई, मार्केट अकेले ही गई थी, अकेले ही गई थी, बैग लटकाए हुई थी, नकाब बुरका में थी, तो हम लोग को क्या मालूम कहाँ गई, क्या हुआ नहीं हुआ। अब घर के लोगों को कब पता चला कि अब तक नहीं लौटी, किसी को कोई पता नहीं था। लगभग 5-6 बजे के करीब एक बार शोर मचा कि फला लड़की नहीं मिल रही है, कहाँ गई कहाँ गई, लोग इधर भागे उधर भागे, बहुत मोहल्ले के लोग परेशान हुए लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला, समझ। उसके बाद जो है सो मालूम हुआ कि उसके वालिद को खबर किया गया है, विदेश में है, वो बेचारे आ रहे हैं, हम अपने से आकर के कुछ छानबीन कर सके, तो वो बेचारे आए परसों। अच्छा। परसों या परसों तरसों आए, कब आए? सऊदी अरब से ये यहीं उतरे, हम लोग भी मिले, हमने कहा कि सब्र कीजिए, हो सकता है कहीं हो। अब क्या मामला है, प्रेम प्रसंग का है कि ये कोई दुश्मनी से ले गया या कहाँ चली गई, हम लोग को कोई पता नहीं है। उसके बाद इन्होंने जो है सो कल जो है सो थाने में एफ आई आर किया, कल, हाँ कल किया है, कल ही ना किए हैं आप? हाँ, इन्होंने किया, कल पुलिस आई थी, कल 10-11 बजे एक पुलिस वाला वेरिफिकेशन के लिए आया, किसके लिए आया, आया आप आंगन गया, पूछताछ किया और उसके बाद ये लोग भी गया साथ में। ये लगभग जो है 3 बजे हम लोगों को खबर मिला कि
कि एक लड़की का लाश है रामपट्टी राजनगर थाना अंतर्गत वहाँ पर पड़ा हुआ है। पहले तो ये मालूम हुआ कि लाश है, बाद में तो बहुत हलचल मच गया गांव में कि कौन है कौन है कौन है, किसकी लड़की है, यही तो नहीं है। बाद में थोड़ी देर के बाद मालूम हुआ कि वही लड़की है। इनके तरफ से जो है लड़की की पहचान की गई कि बैग है, आधार कार्ड है, फलना है चिल्ला है, तो अब हम लोग को भी यकीन हो गया। ग्रामीण लोग फिलहाल जो है इसी इसमें लग गए कि भाई अब जो भी हो आप उसके जो है अंतिम संस्कार का जो है इंतजाम किया जाए। लोग लग गए, लग जाने के बाद जो है सो शाम को जो है लगभग 7-8 बजे करीब जो है सो मतलब हम लोग इंतज़ार में थे कि वहाँ से जो है सो मतलब डेड बॉडी आवेगा, लोग मिट्टी उट्टी करेंगे, अब जो कानूनी प्रक्रिया है वो तो होबे करेगा, पुलिस का काम है। उतने में देखा 3-4 गाड़ी पुलिस आई यहाँ पे। अच्छा। आया उसमें से एक रिश्तेदार है यहाँ पर उसी मतलब मतलब जो है सो इनकी एक माँ है सौतेली। अच्छा। सौतेली माँ के भाई का लड़का जो यहाँ रहता है 3-4 साल से, मतलब भतीजा लग रही है। हाँ, उसका भतीजा सौतेली माँ, ये धूसी का रहने वाला है। अच्छा, ये यहाँ पड़ता है, ये धूसी दरभंगा जिला नेहरा के आसपास में पड़ता है। अच्छा। नेहरा के आसपास में पड़ता है। बस पुलिस आई, 5-6 गाड़ी महिला भी थी और सारे पुलिस वाले थे, ये भी थे, हम लोग यही बैठ करके थे और देखा कि उस लड़का को लेके लेकर के मतलब मिनटों नहीं लगा वो लेकर के। तो कोई शिकायत की गई होगी पुलिस को या ये हम लोगों को नहीं पता, हम लोग तो जो देखा सो बता रहे हैं। उसको लेकर के जो है सो मतलब पुलिस चली गई, पुलिस चला गया। पुलिस जाने के बाद मतलब जो है सो ये मालूम हुआ कि यही किया है यही किया है। बाद में इन्हीं लोग गार्जियन लोगों से पता चला उसी घर के कि यही लोग किया है, यही लड़का किया है। उस पर हम लोग भी मतलब यहाँ उम्र हो गया तो कहा कि भाई एक एक लड़की लड़की है जवान लड़की थी तो इसका मर्डर कोई एक आदमी नहीं करेगा, और भी अनेक आदमी होगा इसमें। तो अभी तक हम लोग को इस बात का पता नहीं है, लेकिन आज भी पुलिस आई थी, कपड़ा वगैरह लड़का जो है जो उस वक्त पहन रखा था उस कपड़ा को लेकर के अभी पुलिस गई है। और ये गार्जियन का दावा है, हम लोग तो नहीं कह सकते लेकिन गार्जियन का कहना है बतौर पुलिस के मर्डर इसी ने किया है। अच्छा। हम लोग की जानकारी में यही है। अब हम लोग गांववासी बैठे हुए हैं कि कब उस बच्ची का वजह हो सकती है मर्डर, वजह हो सकती है। अब ये बात तो हम ठोस नहीं कह सकते हैं लेकिन सुनते हैं कि कभी इस तरह की बात हुई थी कभी 1-2 साल पहले कि वो चाहत रखता था कि इस लड़की से शादी करें। हाँ, सुना है, जैसा कि हम लोग अपने कान से उससे नहीं है। हाँ, ऐसे गाँव मोहल्ले में बात चली, हाँ ऐसे कोई औरतें बोल रही थी, इसका हम पक्का सबूत नहीं दे सकते। ये हम लोग को जानकारी है। अभी जो भीड़ जमा है उस डेड बॉडी के इंतजार में है। क्या पोस्टमार्टम हो गया बच्ची का? पोस्टमार्टम तो मधुबनी में लड़की के वालिद से जब हम लोगों ने पूछा कि भाई मधुबनी में पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ, तो पता चला कि उस लड़की का जो है शरीर इस कदर गल चुका है जो यहाँ वो सुविधा नहीं है, चीर फाड़ के करने का सुविधा है, इसलिए ये दरभंगा में जा करके जो है इसका जो है मतलब बॉडी को देखने के बाद ये कह सकता है कि पहले मौत हुई होगी। 5-6 दिन पहले का मतलब पूरा सड़ा हुआ है। हम बतौर हम लोग तो नहीं देखा, एक आदमी और देख करके आए थे तो वो बोले थे कि वो फूल गई है, उम्र तो 16-17 साल है लेकिन इतनी फूल गई है जैसे लगता है 35-40 साल की हो, समझ गया। एक आदमी कोई आया था कल रात में वहाँ से, वो बता रहा था तो हम लोगों ने सुना, और वो इतनी फूल गई है कि वो 35-40 साल का उम्र लगता है उसका अब देखने में। और हम लोग यही इंतज़ार में बैठे हैं सारे रिश्तेदार गांव वाले कि अब तो हम लोग, अब तो प्रशासन जो करेगा वो करेगा, इंसाफ मिलना चाहिए। तो पुलिस प्रशासन की तरफ से मदद मिल रही है? हाँ मिल रही है, पुलिस हम लोग देख रहे हैं फुल मदद मिल रही है, प्रशासन पूरा काम अपना कर रहा है हम लोगों के हिसाब से। अब अंदर में क्या है नहीं तो हमने नहीं जाना। दोस्तों अभी हम मौजूद हैं सकरी में और हम तमाम मामलों को लेकर के आपको जानकारी दे रहे हैं। एक और स्थानीय व्यक्ति है यहाँ पर, हम उनसे बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं कि वो इस पूरे प्रकरण के बारे में क्या कुछ जानते हैं। क्या नाम है सर आपका? समाल बाबू। समाल साहब, जो जानकारी प्राप्त हुई जीनत एक लड़की जिसकी हत्या हुई है, तो इस पूरे प्रकरण में पुलिस प्रशासन की जो कार्रवाई है, ऐसी खबरें आ रही है कि बहुत सारे लोग संतुष्ट हैं पुलिस की कार्रवाई से, एक शख्स की गिरफ्तारी भी की गई है, किस बिना पर लगता है आपको उनकी गिरफ्तारी हुई है, पुलिस ने किस तरह से सोचा है, क्या कुछ मामलात लग रहे हैं आपको इसके पीछे? उसमें मामलात इसी लग रहा है कि उसके मोबाइल के जरिए कॉल हुआ था और कॉल के जरिए उस लड़के को गिरफ्तार किया गया है। अच्छा, ट्रैक किया है, नंबर ट्रैक किया है। 1 तारीख को भी उसका 4 कॉल था। अच्छा। उस लड़की के मोबाइल पर, उसके माँ का मोबाइल है, उस पर 4 कॉल आया हुआ था। जब लड़की यहाँ से चलने लगी थी 2 तारीख को, तो फिर लड़की ने कॉल पर बात करके मोबाइल माँ को दिया, उसके बाद 11 बजे दिन में यहाँ से निकला। वो भी नंबर को जांचा गया तो उसी लड़के का ही निकला है। उसके निकलने के बाद ये लड़की 2 तारीख को यहाँ से निकली 11 बजे दिन में, जो बैंक के ही जरिए निकली, और उसके बाद वहाँ से लापता हुई।
एक हमारे गांव में पड़ोसी है मुझे, उसको जब शाम बीत गया तो एक पड़ोसी ने एक पड़ोसी को फ़ोन किया कि आपकी बेटी जीनत आई घर पर कि नहीं आई। फिर वहां पर उस हल्ला हुआ, एक फुफ्फू है उसकी पुनिया नाम की, वो आके उसके घर पर बताई कि बेटी तुम्हारी जो गई तो वो वापस क्यों नहीं आई। उसी पर हल्ला चिल्ला हुआ, सारे समाज को मालूम हुआ। मालूम होने के बाद उस लड़की का खोज स्टार्ट हुआ। स्टार्ट होने के बाद उसकी कोई पता नहीं चला, जहाँ तक उनके घर के गार्जियन थे वो खोज चुके थे और हर जगह पुलिस के पास गई। पुलिस ने बोले कि आप अपने रिश्तेदारों में खोजिए पहले, खोजने के बाद तब हमको फिर रिपोर्ट दीजिएगा। इतनी ही सी जानकारी आने के बाद फिर उनके बाप को मालूम हुआ, जो सऊदी से 4 तारीख को आए वहाँ से यहाँ सकरी। सकरी आने के बाद उनके बाप ने 5 या 6 बजे शाम में जाके FIR किए सकरी थाने को। सकरी थाना के FIR करने के बाद उन्हें एक वीजा दिया कि आप अपने सारी चीज़ों को प्रूफ कीजिए, और उसके बाद इनकी खोज विचार हुआ। उसके बाद उनको 6 तारीख को 3 बजे कॉल आता है सकरी थाने से कि एक बॉडी पाई गई है, रामपट्टी और रांटी के बीच में एक खनर है, उसी में एक बॉडी पाया गया है, वहाँ जाके देखा जाए। वहाँ लड़की के गार्जियन ने पहुँचा तो वो आधार कार्ड, चप्पल, पायल, लड़की का पर्स, उसी से पहचान हुआ कि ये हमारी लड़की है। पूरे जिस्म में तेजाब मारे हुआ है, हड्डी और गोश अलग अलग हो चुका है, जो बदबू कर रहा है, 100 मीटर दूरी तक उसकी बाइश जा रही है। अच्छा, ये लड़की जब निकली थी, जैसे वहाँ पर जो सामान वगैरह मिला था, क्या ऐसा भी कुछ था कि लग रहा था कि लड़की सामान वगैरह लेके गई हो कहीं जाने के लिए? सामान कुछ नहीं लेके गई थी, एक ऑलरेडी सिर्फ पासबुक लेके गई थी। अच्छा। जो वेरिफिकेशन कराने के गई थी। हाँ, जो बैंक तक पहुँच भी नहीं पाई वो लड़की। तो ये पूरा का पूरा मामला है, अगर इस पूरे मामले को देखें, इस पूरे प्रकरण को देखने की कोशिश करें, कुछ कहना है आपको? नहीं, आप कुछ नहीं कहना, पूरी कहना है जी कि मुजरिम जो पकड़ाया है उसका नाम क्या है? नाम उसका इरफान है, साजिक है, और हमारी ख्वाहिश है, दिली ख्वाहिश है कि उसको फांसी दिया जाए। हमारे अरबी समाज की बेटी पढ़ने जाती है, इसका का हरकत हुआ है, उसको फांसी से फांसी और भरपूर सजाई दिया जाए। तो ये पूरा का पूरा मामला है, आप तमाम लोगों को ये पूरी जानकारी दे दी गई है। लेकिन इस पूरे मामले में एक बात जो थोड़ी सी समझ से पड़े है वो ये कि अगर वो लड़की जो है जिसकी हत्या की गई है, जीनत की, अगर उसकी वाकई हत्या की गई और उसके द्वारा की गई, जो उससे प्रेम प्रसंग करता था, अगर इसमें कोई प्रेम प्रसंग का एंगल था, तो क्या ऐसा हो सकता है कि कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका की हत्या कर दे, वो भी मुलाकात की वजह से, या फिर इसके पीछे कोई बड़ी वजह हो सकती है? ये तमाम चीज़ें जाँच की विषय है। देखना यह है कि इस पूरे मामले पर मधुबनी पुलिस प्रशासन किस तरह से जाँच पड़ताल करती है, क्या जानकारी इसको लेकर के मिलती है। अभी पहले शक के गुंजाइश पर जिस लड़के की गिरफ्तारी की गई है, क्या उसको लेकर के मधुबनी प्रशासन ये बयान देती है कि उसी लड़के ने हत्या की है, या फिर इसमें कुछ और भी तार जुड़ते हुए आगे वक्त में दिखाई देते हैं। लेकिन मधुबनी प्रशासन को चाहिए कि इस पूरे मामले में चाहे जो भी दोषी हो उसे जल्द से जल्द पकड़े। उसे गिरफ्तार तो कर लिया गया है, लेकिन अब देखना यह है कि क्या यही वो लड़का है जिसने उसकी हत्या की है, या फिर इसमें आगे कुछ और सुराग मिलती है। लेकिन जो भी दोषी है, हमें उम्मीद है कि मधुबनी जिला प्रशासन उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करेगी।